हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटासी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECS T10 लीग का मैच 86। खेला जाने वाला है फाल्को सीसी वर्सेस पंजाब वॉरियर के बीच में। वेडनेसडे के दिन 3 मार्च को ये मैच खेला जाएगा। इंडिया के टाइम के हिसाब से 1 बजे मैच शुरू हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। सारे न्यू मेंबर्स को जो सब्सक्राइबर है उनको वेलकम करता हूँ और टेलीग्राम पर भी जो लोग जुड़ गए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैच डिटेल पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। फाल्को और पंजाब वॉरियर के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है, मैच नंबर 86। 3 तारीख को वेडनेसडे के दिन 1 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से मैच शुरू हो जाएगा। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे बार्सिलोना का ये टूर चल रहा है, पूरा टूर्नामेंट चल रहा है, फैन कोड के द्वारा ये कराया जा रहा है, इसीलिए टाइटल फैन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। 24 टीम ने यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन किया हुआ है। 124 T10 मैच होने वाले हैं, मैच 86 हम कवर कर रहे हैं। 4 ग्रुप में टीम को बांटा गया है, हर ग्रुप के अंदर 6-6 टीम रखी गई है। दोस्तों हर ग्रुप के अंदर स्ट्रॉन्ग टीम भी है और कमज़ोर टीम भी है। दोस्तों मंडे टू फ्राइडे ये टूर्नामेंट के सारे मैच होते हैं और हर रोज़ 5 मैच खेले जा रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट फ्री में आप देख सकते हो फैन कोड के ऊपर। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और फ्री में ये मैच आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं पिच की। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल पिच यूज़ होती है और एवरेज स्कोर यहाँ पर लास्ट 5 मैच का 110 बता रहा है, क्योंकि फिलहाल कमज़ोर टीम के अभी टूर्नामेंट चल रहे थे, वेदर भी उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से थोड़े बहुत लो स्कोर नज़र आए। कुछ कुछ मैच में 150 प्लस भी रन नज़र आए और कुछ कुछ टीम 50 रन के अंदर भी ऑल आउट होती हुई भी नज़र आई। दोस्तों तो इसी तरीके से कुछ टीमें हैं जो आपको अच्छा करती हुई भी नज़र आएगी और बुरा करती हुई भी नज़र आएगी। अगर आप पुराने फॉलोवर्स हैं, वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी मजबूत है। कुछ कुछ प्लेयर भी ऐसे हैं जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कुछ कुछ प्लेयर इतने ख़राब है कि वो कंटिन्यू ख़राब खेल ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हम देख लेते हैं टीम के बारे में। तो ग्रुप डी का ये मैच है और इसके अंदर की जो टीम है, टॉप की टीम सबसे पहले टॉप पर बैठी हुई है TRS ट्रिनिटेल रॉयल स्टार है जो पहली पोजीशन पर बैठी हुई है, और दूसरे नंबर पर है बादलोना शाहीन, तीसरे नंबर पर है फाल्को जिसका ये वीडियो हम कवर कर रहे हैं, और पंजाब जो इनके साथ में खेलने वाली है वो है नीचे से दूसरे पोजिशन पर। तो कंडीशन आप दोनों की देख लीजिए, थोड़ी बहुत फाल्को है जो थोड़ी ऊपर अपर में नज़र आ रही है। 5 मैच में से 3 जीती है और 2 हारी है। दोस्तों पंजाब की बात कर लूँ तो 5 मैच में से 2 ही जीती है और 3 हारी है। चलिए अब देख लेते हैं रिसेंट फॉर्म की। तो फॉर्म टीम का कैसा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लास्ट 5 मैच की फाल्को की अगर बात कर लूँ तो शुरुआत में 3 मैच तो अच्छे जीते पर बाद में 2 मैच कंटिन्यू लगातार हारी। दोस्तों अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये है एवरेज, इनका एवरेज बैटिंग एवरेज रहता है 123 रन का। दोस्तों तो लास्ट 5 मैच की बात कर लूँ तो इनका बैटिंग एवरेज देख लो 123 का है। दोस्तों यानी कि बैटिंग इनकी इतनी स्ट्रांग है कि 123 100 प्लस ही रन ये मारती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर अगेंस्ट, मतलब पंजाब के सामने इनका एवरेज स्कोर 97 का हो जाता है, थोड़ा बहुत उतर जाता है। दोस्तों मतलब थोड़ा बहुत बॉलिंग से ट्रबल कर रही है पंजाब इनको। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के लास्ट मैच की बात कर लूँ तो यहाँ पर लॉस विन विन लॉस लॉस, मतलब 2 जीती है और 3 हारी है। इनके ओवरऑल 5 मैच का एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 92 का है और अगेंस्ट में बात करूँ तो 119 का है, 119 रन का अगेंस्ट में आ रहा है, मतलब
फाल्को के सामने बैटिंग अच्छी कर ले रही है कौन? पंजाब की टीम दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि आप आज का मैच की अगर बात कर लूँ तो मिन्हाज बहुत स्ट्रांग टीम थी एज कम्पेयर टू रावल सपोर्टिंग के। 75% का उनका विनिंग चांसेस भी था, बट 65% विनिंग उनका चांसेस था, बट मैच पूरा ही पलट कर रख दिया किसने? रावल सपोर्टिंग ने। इतना बुरी तरीके से हराएगी इतनी स्ट्रांग टीम को यकीन नहीं था, और बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की तारीफ करनी होगी रावल सपोर्टिंग की कि उसने इतने कम स्कोर में अच्छी टीम को ऑल आउट कर दिया था। और यहाँ पर सेम ऐसा पंजाब भी कर सकती है। पंजाब के कुछ कुछ बॉलर ही है, ज़्यादा बॉलर तो नहीं है, बट कुछ कुछ बॉलर है जो ऐसे ही कुछ चार चार विकेट तीन तीन विकेट लेके फाल्को को ट्रबल में डाल सकते हैं। अब ये डाल सकते हैं एक अजम्पशन है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ टीम ने ऐसा आज किया। अब के एज़ कम्पेयर टू रावल सपोर्टिंग पंजाब का उतना लेवल अच्छा नहीं है, बट पंजाब कर सकती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों के बीच में एक मैच हुआ भी है जहां पर हमें स्कोर देखने को मिल रहा है 131 रन मारा था फाल्को ने और पंजाब ऑल आउट हो गई थी 110 पर। अब भी ये 16 फेब को ही मैच खेला गया था, आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर की। तो आदिल सरवर ओपन कर सकते हैं आबिद शहजाद के साथ, वन डाउन आ सकते हैं इजाज अहमद। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सी सिचुएशन में टीम है दोस्तों, उसके हिसाब से सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग का वेरी करता है दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल हम मान के चल रहे थे एजाज अहमद वन डाउन आएंगे, उसके बाद में लाइनअप कंटिन्यू होगा, मोहम्मद यासिन विकेट कीपिंग करेंगे, रहमानुल्ला भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, कैप्टन है टीम के, मोहम्मद जिशान है, खवर जावेद को भी हिटिंग के लिए ऊपर भेजा जा सकता है दोस्तों, ये भी हिटिंग कर लेते हैं, जोएब खान है, मोजम रफीक है, मोहम्मद सिराज है, और मोहम्मद सिराज भी हिटिंग कर लेते हैं दोस्तों, शहजाद उमर है। ये इनकी प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए निकल कर आ रही है। बेंच की बात कर लूँ तो बेंच पर भी इनके बहुत बड़ा बेंच है और अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पर आवेश खान बॉलर है, अच्छे बॉलर है, और दूसरे में बात कर लूँ तो शहबाज अहमद है, अच्छे ऑलराउंडर है। उसके अलावा दूसरे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ से प्लेइंग 11 की बात कर लूँ तो यहाँ पर मोहसिन अली है जो फिलहाल कुछ मैचेस से ओपन कर रहे हैं और उम्मीद है कल के मैच में भी ओपन कर सकते हैं तेजपाल सिंह के साथ। उसके बाद में है युवराजपाल सिंह है, ऑलराउंडर है, गगनदीप सिंह है, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, वन डाउन या ओपनिंग के लिए भी आ सकते हैं। उसामा तारिक है ये भी कभी कभार ओपन करने आ जाते हैं। जगदीप सिंह है, विकेट कीपिंग करेंगे, हरदीप सिंह जूनियर है, हरदीप सिंह सीनियर है दोस्तों, दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। उमेर रजा है, चरणजीत सिंह है, उबैदुल्ला रहमान बॉलिंग से इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनके स्क्वाड में बेंच में कुछ प्लेयर खास तो कोई भी इतने खास नहीं है कि कुछ टक्कर दे पाए सामने वाली टीम को, तो इसीलिए हम बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं की प्लेयर्स। अब फाल्को की टीम से की प्लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम आदिल सरवर का ही आता है, 222 रन अभी तक मार चुके हैं। उसके बाद में बात कर लूँ तो एक अच्छी पारी इन्होंने खेली थी, यहाँ पर देख सकते हो हॉक्स के सामने 37 बॉल में ही 91 रन मार दिया था। उसके बाद में है आबिद शहजाद, अच्छे एक तगड़े ऑलराउंडर है और इनके ज़्यादातर रन बाउंड्रीज से और छक्के से ही आते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो लगभग जितने भी इन्होंने रन मारे हैं उसके अंदर 10 चौके और 11 छक्के लगाए हुए हैं दोस्तों। ओपन करते हैं तो आपके लिए सीवीसी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। मोहम्मद शेराज फिलहाल 5 मैच में आराम से 5 विकेट ले चुके हैं, और जब ये अपनी लय पकड़ लेंगे तो और भी ज़्यादा विकेट लेते हुए नज़र आएंगे। बैटिंग से भी अच्छा किया हुआ है पास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट पंजाब की तरफ से हम की प्लेयर की अगर बात कर लें तो सबसे पहला नाम तेजपाल सिंह ही आ रहा है, जो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं टीम के लिए अच्छा करने की, और बॉलिंग बैटिंग से जहां भी उनको समझ पड़ता है वो कोशिश करते हैं और फाइटिंग करते हुए नज़र आते हैं।
विकेट देना ज़्यादा ये पसंद नहीं करते, आराम से स्लो स्लो खेल के बाद में रन मारना ये ट्राई करते हैं। पहले कोशिश यही रहती है कि विकेट ना दें, आराम से ही खेलते हैं। और एक बार टिक गए टीम पिच के ऊपर तो फिर मैच जिता कर ही आते हैं। तो तेजपाल को आप किसी भी टीम में मत छोड़िएगा, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे आपके लिए। मोहसिन अली का कमबैक हुआ है टीम के अंदर और काफ़ी अच्छा उन्होंने कमबैक किया है, बॉलिंग से अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और कभी कभार ओपन में भी आ गए बैटिंग करने के लिए तो अच्छी हिटिंग भी लगा लेते हैं। गगनदीप सिंह भी है जो तेजपाल की तरह फाइटिंग कर रहे हैं टीम के अंदर, बहुत सारे बेकार प्लेयरों के बीच में ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद रहेगी इनसे कि कुछ और आगे भी अच्छा करेंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल लीग के लिए सीवीसी के ऑप्शन। दोस्तों ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो सीवीसी के ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई करोगे, ग्रैंड लीग के अंदर भी कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ टीम में रिस्क की प्लेयर भी रखना अगर इसमें से सीवीसी बना रहे हो तो। ओके, फिलहाल ये अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, हेड टू हेड खेलते हैं तो अपने 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ से आप सीवीसी जो भी टीम आपके बेस्ट लगती है उसके हिसाब से सीवीसी आप यहां पे बना सकते हो। सबसे पहले सी के ऑप्शन आदिल सरवरी है, 70% जनता ने इनको सी बनाया हुआ है और स्मॉल लीग में आपको मिलने ही वाले हैं। उसके बाद में दो नाम ऐसे बताऊंगा जिनके ऊपर ध्यान नहीं है लोगों का, वो है आबिद शहजाद और मोहम्मद सहराज। दोस्तों इन दोनों के ऊपर वीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं बट सी के लिए कोई ट्राई नहीं कर रहा है, सारे लोग आदिल सर्वर पर ही जाने वाले हैं। वाइस कैप्टेंसी में बात कर लूँ तो खवर जावेद है, तेजपाल सिंह है, गगनदीप सिंह है, मोहसिन अली है। मोहसिन अली के ऊपर सारी की सारी जनता जा रही है बट आपको कुछ अलग करना है स्मॉल लीग में तो खवर जावेद, तेजपाल सिंह और गगनदीप सिंह अच्छे ऑप्शन रहेंगे वीसी के लिए। दोस्तों थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे बट आपको एक तरफा जिता देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे हेड टू हेड की टीम। हेड टू हेड की टीम के लिए आपको दो ऑप्शन मैं देने वाला हूं। दोस्तों पहली टीम के अंदर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने दो विकेट कीपर कवर किए हुए हैं, आर उल्ला और जे सिंह, दोस्तों जगदीप सिंह, दोनों का सिलेक्शन भी बहुत हाई है तो इसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि ये एक सेफ टीम है आपके लिए। जनता के हिसाब से मैंने कैप्टनसी दी है आदिल सरवर को और जाहिर सी बात है ओपन भी कर लेते हैं और बॉलिंग से भी ओपनिंग में बॉलिंग करने भी आ जाते हैं तो अच्छे ऑप्शन है सी के लिए। उसके बाद मैंने एम अली को मौका दिया है वीसी का, क्योंकि अली सरवर के बाद दूसरे जो हाईएस्ट सिलेक्शन है वो एम अली के ही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सेफ टीम है तो आराम से आप ये टीम बनाकर रख लो, बाद में प्लेइंग 11 के बाद जो भी चेंजेस है वो टेलीग्राम पर अपडेट टीम मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी टीम टू की, तो टीम टू में क्या चेंजेस है वो भी मैं बता देता हूँ। अब टीम टू में मैंने आर उल्ला को नहीं लिया हुआ है ये सोचकर, क्योंकि वैसे भी वो बैटिंग पर बहुत देर से आते हैं, लगभग वो आएंगे तीसरे या चौथे नंबर पर, तो उससे पहले जो बैट्समैन आते हैं उनको मैंने कवर कर लिया है, जैसे कि आई अहमद है, ए शहजाद है जो कि पहले बैटिंग करने आ सकते हैं, और आई शहजाद मतलब आबिद शहजाद को मैंने वाइस कैप्टेंसी दी है ये सोचकर कि अगर वो बॉलिंग से भी विकेट ले लेते हैं तो अपने लिए प्लस हो जाएगा और डिफरेंशियल पिक के लिए हिसाब से भी वो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे भी जो भी बेस्ट टीम है मैं वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ आपको, मेरी आदत नहीं है कि वीडियो के अंदर कुछ भी बेकार टीम बना दूँ फिर बाद में बोलूँ कि टेलीग्राम पर आ जाइए वहाँ पर मैं बेस्ट टीम देने वाला हूँ। मैं वीडियो के अंदर ही बेस्ट टीम दे रहा हूँ, इसके हिसाब से अगर टीम आ गई तो यही टीम हमारी भी जाएगी, और लाइनअप के बाद अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तभी पॉसिबल होता है कि हम चेंजेस करके टेलीग्राम पर टीम देंगे दोस्तों, अदरवाइज वीडियो में ही टीम जो होती है वो हमारी फाइनल होती है। आई होप आप समझ गए होंगे।
और टीम ये ऐसी क्यों बनी है वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन भाइयों के लिए जो ग्रैंड लीग खेलते हैं। ग्रैंड लीग के अगर आप दीवाने हैं और ग्रैंड लीग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप CVC ले लीजिए, अपनी टीम बना लीजिए और रिस्क लेने के अगर आपको गुदा है तो यहाँ से आप डिफरेंशियल पिक में जहाँ पर लो सिलेक्शन हो जिस बंदे का उसको VC या C ट्राई करके बिंदास अपनी टीम ग्रैंड लीग में डाल देना, चाहे एक डालो या दो डालो बट थोड़ा बहुत हटके ही होना चाहिए आपका CVC। अब जैसे कि आदिल सरवर हो सकता है 70% सिलेक्शन है इनका CVC का, तो हो सकता है कल की मैच में इनके बदली कोई और बॉलर या तो ज़्यादा पॉइंट दे दे या तो बैट्समैन ज़्यादा पॉइंट दे दे, तो इनको टीम में रखना बट CVC किसी और को बना देना तो आपको उस तरीके से ग्रैंड लीग टीम निकल कर आएगी दोस्तों। जैसा कि आज एक मेरे दिल में बहुत था कि मैं दाऊद को लूँ, आप रावल सपोर्टिंग का मैच देखा होगा तो उसने उसमें 4 विकेट वो लेकर गया, 4 या 3, तो मेरा दिल था कि मैं लूँ बट मैं ले नहीं पाया, जॉब में बिजी था और माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। अदरवाइज वो अगर टीम में रहता तो मेरा टीम और भी अच्छा होता और आराम से ग्रैंड लीग टीम में वो आ जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब वॉरियर्स की। यहाँ से आपको CVC बनाना है तो कुछ ज़्यादा प्लेयर इनके ताबड़तोड़ प्लेयर तो इनके पास है नहीं बट जो भी है अगर उसमें से ही आप अगर ट्राई करोगे तो हो सकता है उनके अच्छे परफॉर्मेंस निकल जाए और आपका लकीली CVC निकल जाए तो आपके लिए अच्छा लक रहेगा दोस्तों। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ ऑप्शन और मैंने नाम बता दिए हुए हैं और वो करते क्या हैं, जैसे कि गगनदीप सिंह ऑलराउंडर है, तेजपाल सिंह ऑलराउंडर है बट स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं और स्पिनर अक्सर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, देखा होगा आज के मैच में भी मोहसिन अली है, अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये भी दे रहे हैं, युवराज पाल सिंह है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ये भी दे रहे हैं, हरदीप सिंह सीनियर है बॉलिंग बैटिंग से ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं हमारा विनिंग प्रिडिक्शन का। तो यहाँ पर मुझे फाल्को की टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आई है ऑन पेपर रिकॉर्ड के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो फाल्को के विनिंग जीतने के चांस यहाँ पर 67% के है और पंजाब वॉरियर्स के जीतने के चांस 30% के है दोस्तों। ये प्रिडिक्शन सिर्फ मेरी तरफ से सजेशन है, अब इसका उल्टा हो भी सकता है। ओके दोस्तों, तो जस्ट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बाकी अब कल क्या होता है वो कल ही देखा जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।